जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारत को जागरूक कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के रुड़की शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सरकार भले ही कितने भी भारत को स्वच्छ बनाने के वादे कर ले, लेकिन उत्तराखंड में शहरों में दिख रही गंदगी सरकार की पोल खोल रही है। मोदी के चलाए स्वच्छ अभियान में नेताओं से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह गया। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया है, लेकिन आज भी सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर देखे जाते हैं। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का दर्जा प्राप्त रुड़की शहर में चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हैं। सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं, वहीं संबंधित अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना कैसे सच हो पाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। टीवी अंडर से अनिल सैनी, रुड़की। रुड़की की सड़कों का हाल ही नहीं बल्कि नालियों का हाल भी बुरा है, जिसमें गंदा पानी ऊपर तक भरा रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रुड़की में गंदगी सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं बल्कि लोगों के आने जाने वाले रास्तों में भी गंदगी का ढेर लगा रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है। क्योंकि ना अधिकारी यहाँ ऐसे ना नेता ऐसे झाड़ू के जिस टाइम कोई आने का प्रोग्राम झाड़ू उठा ले, बाद में कोई झाड़ू नहीं उठा पाता। और सफाई की व्यवस्था है कि शहर का बुरा हाल है, सारी बीमारियां फैल रही, डेंगू फैला बुरी तरह की से। अस्पतालों में कोई पूछने वाला नहीं है, प्राइवेट में जाओ वहाँ खाल उतार रहे लोगों की, और पूरी व्यवस्था खराब है, सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अपने इसी नारे से मोदी ने गांधी जयंती से सफाई अभियान की मुहिम चलाई थी, लेकिन मोदी की ये मुहिम उत्तराखंड में फेल होती नजर आ रही है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक रुड़की में लोगों को ऐसे ही कूड़े से भरे शहर में रहना पड़ेगा? क्या कभी रुड़की सफाई अभियान की मुहिम पर चल पाएगा, या फिर रुड़की का हाल यही रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी 100 के लिए रुड़की से अनिल की रिपोर्ट।